ये गरीबी भी बड़ी अजीब चीज़ है। कभी कभार इंसान से कुछ ऐसा करा जाती है जिसकी शायद ही किसी को उम्मीद हो, और कई बार तो इंसान को इतना मजबूर कर देती है कि इंसान भूल जाता है वो कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रहा है। गरीबी किस कदर इंसान को मजबूर कर देती है, किस तरह इंसान के हाथ तो बांध देती है लेकिन तकलीफ को बयां करने से नहीं रुक पाती। इस बात का गवाह है कादर खान का वो सच, जो हम आपके बीच आज इस खास रिपोर्ट में ज़रूर खोलना चाहेंगे। कादर खान के बारे में आपको ये बात शायद ना मालूम हो, लेकिन ये बिल्कुल सच है। कादर खान एक बार काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते नजर आए थे। काफ़ी ज़्यादा ये खबरें वायरल हुई थी सोशल साइट्स पर कि उन्होंने काफ़ी चिल्लाया था। 31 दिसंबर की तारीख को 6 बजे के करीब कोमा में चले जाने के बाद हर किसी को छोड़ गए कादर खान कनाडा में अपनी बेटी नहीं बल्कि अपनी बहू के साथ, अपने बेटे के साथ आखिरी वक्त पर साथ रहे। अपनी अंतिम सांसें कनाडा के ही अस्पताल में लेने के बाद कादर आज हर किसी के बीच चर्चा में। उनसे जुड़ी ये सच्चाई आपको और भी रुला देगी, क्योंकि बेहद तकलीफ में ही उन्होंने काटा था अपना एक एक दिन। वैसे तो अस्पताल में वो तकलीफ का ही सामना कर रहे थे, लेकिन अकेले में जोर जोर से चिल्लाते थे कादर खान। आखिर किस वजह से, ये काफी ज्यादा सवालों में थे। तो आपको बता दे, कादर खान अकेले तन्हा वहां जाया करते थे जहां उनके साथ कोई ना हो, जहां इंसानों का पास नहीं, वहां पर जाकर कादर चिल्लाते थे। गरीबी से परेशान कादर खान इस कदर दुखी थे कि वो अपने दुख को बाहर निकालने के लिए चिल्लाया करते थे तकलीफ में। और एक बार तो ऐसा हुआ कि कादर खान को चिल्लाते हुए देख उन्हें जब देखा गया सुनसान इलाके में, तो वहाँ अशरफ खान ने उन्हें देखते ही उन्हें ऑफर किया एक रोड। उसी वक्त वहीं पर उन्हें देखा अशरफ खान ने, जो कि बॉलीवुड कैरेक्टर एक्टर के तौर पर जाने जाते थे। और फिर से शुरू हुई कादर खान की एक नई कहानी, जिसके बाद बॉलीवुड से जुड़ा उनका एक बड़ा नाता। यही वजह है कि आज हर किसी के बीच कादर की ही बात हो रही है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।